हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आईटीआई में। आज का हमारा क्लास है, एक बार का जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है उसके न्यू अपडेट के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह से आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे जो आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, जिस तरह से कि आपका जैसे टर्नर ट्रेड है, मशीन ट्रेड, तो दोनों का कंबाइन पेपर होने वाला है, या फिर आपका पेपर कहाँ पर होने वाला है, उसमें कौन कौन से मशीन क्या है, वो कौन कौन सी मशीन अवेलेबल है, उस मशीन की कंडीशन क्या है, कौन कौन सा मशीन आपको मिल सकता है, इस सब के बारे में पूरी हम आज डिटेल में जानकारी देंगे। और बहुत सारी चीज हम आपको वीडियो के बीच में या फिर अंत में हम बताएंगे कि जिसमें डिटेल वगैरह पूरा सब हम डिटेल में जानकारी देंगे। और जो जॉब है, जॉब को किस तरह से करना है आपको, या फिर कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको आ सकती है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है, बार्क स्किल टेस्ट क्वेश्चन पेपर 2024 में, इसके बारे में हम पूरे डिटेल में जानकारी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो क्लास है। और जो भी आप नए मेरे चैनल पे है तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। इसी तरह की न्यू अपडेट के लिए हम आपको टाइम टाइम पे अपडेट देते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। तो जैसे बार्क स्किल टेस्ट क्वेश्चन पेपर 2024 आज का हमारा टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले चीज है कि जो आपका जो प्रैक्टिकल होने वाला है, प्रैक्टिकल जैसे एज पर आपके जो हॉल टिकट के हिसाब से आपका जो सेंटर दिया गया है मुंबई में दिया गया है, NSTI में, नेशनल स्किल ट्रेनिंग सेंटर में दिया गया आपका जो आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपका जो आप जो मशीन में काम करने वाले हैं वो मशीन किस तरह से हो, किस तरह की कंडीशन की है वहाँ पर। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी अभी जो स्किल टेस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं, अगर कहीं पे आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सही तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी मैंने जानकारी प्राप्त की है पूरे आपको डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि हमें भी कुछ छुपा कर रखना होता है, आपको समझ नहीं, हम बताएंगे पूरे लेकिन आपको सिर्फ बीच में समझ लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मशीन कौन कौन सी है वहाँ पर, या फिर मशीन आपको कौन सी मिल सकती है, या फिर जो और भी डिटेल में हम थोड़ा सामने बताएंगे, एक बार में पूरा हम रिवील नहीं कर सकते। तो सबसे पहले चीज आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले एक डाउट हम क्लियर कर देते हैं। जैसे आपकी हॉल टिकट में दिया गया है टर्नर और मशीनिस्ट, इस तरह से दिया है टर्नर स्लैश मशीनिस्ट, तो जो स्किल टेस्ट है तो उसमें हम आपको पूरे के पूरे 90% गारंटी दे सकते हैं कि आपका जो पेपर है लेथ मशीन का ही रहेगा। मशीनिस्ट वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो लेथ में आपका जो प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होने वाला है, तो आप मान के चलिए कि आपका स्किल टेस्ट लेथ मशीन पर ही होने वाला है। तो आप और तो उसमें थोड़ा ये भी आप ध्यान में रखें कि मैं ही बोल रहा हूँ, इसलिए आप सिर्फ लेथ मशीन के ऊपर की प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि आपका जो प्रॉपर ट्रेड है वो ज़्यादातर मिलिंग मशीन के ऊपर काम किया जाता है। थोड़ा थोड़ा जो भी मैं बात करता हूँ लेकिन बीच में आपको थोड़ा समझ लेना है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें डायरेक्टली हम शेयर नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्टली आपको समझ लेना है। तो इसमें हर बहुत सारे चीज़ छुपे होंगे, तो उसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके तरफ, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो सबसे पहले चीज कि टर्नर और मशीनिस्ट, ये चीज मैंने आपको बता दिया कि टर्नर और मशीनिस्ट क्लास में जो दिया था, तो इन दोनों का टर्नर का तो 100% है लेथ मशीन के ऊपर ही होगा, और मशीनिस्ट का जो मैंने अभी बताया उसके तरफ थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद आता है आपका पेपर, पेपर का टाइमिंग होता है 3 घंटा, 3 घंटे में आपको 100 मार्क का पेपर होता है, रिटर्न वर्क इसमें नहीं होता है, ये बात सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए अपने मन से, इसमें रिटर्न वर्क आपका नहीं होता है। जैसे बाकी जब हमें ITI के प्रैक्टिकल वगैरह एग्जाम दिया है तो उसमें रिटर्न वर्क होता है 30 मार्क का, तो इसमें आपका रिटर्न वर्क नहीं होने वाला है। उसके बाद आपको सिर्फ एक जॉब का डायग्राम दिया जाएगा, उसके बाद आपको रॉ मटेरियल दिया जाएगा एज पर जो साइज है, साइज के हिसाब से आपका रॉ मटेरियल पहले से ही कटा हुआ मिलता है, तो रॉ मटेरियल के बारे में भी हम बीच में बताएंगे, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि रॉ मटेरियल का साइज वगैरह जो भी है चीज हम बीच बीच में बताते रहेंगे, सिर्फ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा उसमें। तो जो एज पर जैसे आपका सबसे पहले एक चीज आता है कि जैसे जॉब, जब आपको जॉब दिया जाता है उस समय आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा एकदम आपको हम प्रैक्टिकली समझाते हैं कि क्योंकि जो आप जो बार्क स्किल टेस्ट एग्जाम दे रहे हैं, इसके पहले मैंने भी स्टेट लेवल स्किल कॉम्पिटिशन तक भी मैं जाके आया हूँ, तो थोड़ा आप ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है प्रैक्टिकल करते समय। प्रैक्टिकली सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी जैसे मान लीजिए ये मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए डायग्राम रखा हूँ, लेकिन आप ध्यान में रखें कि अगर लेथ मशीन के ऊपर आपको स्किल टेस्ट आ रहा है तो आपका ऑपरेशन क्या, ऑपरेशन जो लेथ मशीन में है वही आता है, सिर्फ आपका जो जॉब का साइज है थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपने 42 डायमीटर रखा है, लेकिन आपका अगर मान लीजिए डायमीटर 45 रॉ साइज है,
तो उसको आपको रॉ साइज से फाइनल कितना करना होता है, 42 ही है। मान लीजिए आपका डायमंड होता है और उसके ऑपरेशन का जगह चेंज होता है, बाकी ऑपरेशन टर्निंग ही होता है, उसमें कुछ ऐड नहीं होता है, न्यू कुछ ऐड नहीं होता है। तो इसके लिए हमने एक डायग्राम यहाँ पर सामने रखा है, और इसमें जैसे आप डायग्राम देख रहे हो तो जैसे इसमें भी हम बताएंगे कि थ्रेडिंग दिया है, तो थ्रेडिंग करते समय आपको क्या मशीन में थ्रेडिंग करना है या फिर आपको टैप डाई मिलता है, ये सब चीज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक जॉब है, तो सबसे पहले मैंने जो बता रहा था कि 5 मिनट तक आपको जॉब को डायरेक्टली बनाना स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि आप पर जॉब का डायग्राम मिलते बराबर आप डायरेक्टली मशीन पे जाके बिना डायग्राम देख के ही अगर डायरेक्टली जॉब आपको बनाना स्टार्ट करते तो ये आपकी सोच गलत है, क्योंकि जब तक आप जो डायग्राम है डायग्राम देखकर आप उसकी प्लानिंग नहीं करते हैं तो तब तक आपका जो जॉब है, 3 घंटे का टाइम दिया गया है, ऐसा नहीं कि 3 घंटे तक ही बनाना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्किल कंपटीशन है, आपका जो स्किल टेस्ट है कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है, तो वर्कमैनशिप भी देखा जाता है, तो वो बात को ध्यान में रखिए। जो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डायग्राम आपको दिया जाता है तो डायग्राम को थोड़ा सबसे पहले समझ लीजिए कि मुझे डायग्राम के हिसाब से मुझे कौन कौन से टूल्स लगने वाले हैं। जो जब आप प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट होगा तो उस समय आपको एक चिट्ठी दिया जाता है उसके पहले, तो आपको टूल्स आपको लेना है, वहां पे जो टूल रूम है वहां से आपको टूल लेना है, आप जो लिख के देंगे वो अपने तरफ से मान लीजिए अगर देते हैं, तो अगर पूरा फुलफिल अगर नहीं करते तो फिर आपको लेना है जो भी टूल आपको लगता है, जैसे एज पर डायग्राम ऑपरेशन के हिसाब से आपको कटिंग टूल की जो आवश्यकता है, ऐसा नहीं वहां से जितना मिला उतने में ही करना, ऐसा नहीं है, आपको लेना है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वहां पर टूल रूम है जहां से आप ले सकते हैं, जो आपको एक चिट्ठी मिलेगा वहां पे आपको लिखकर आप जब सबमिट करेंगे वहां से मिलेगा, फिर आपको प्रैक्टिकल होने के बाद फिर से रिटर्न भी करना है। तो सबसे पहले जैसे मैं बता रहा था कि आपको डायग्राम देख के सबसे पहले समझना है कि जो जॉब है जो आपको कौन से साइड से करने के बाद ये जॉब जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फिर समय कम लगेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डायग्राम को देखने के बाद सबसे पहले आपको समझ लेना है कि जॉब को हम कौन से साइड से हम स्टार्ट करेंगे जिससे हमारा जॉब बहुत कम समय में बन जाए और जॉब में कोई इफेक्ट भी ना हो, मतलब जॉब प्रॉपरली बने और फिनिशिंग के साथ। तो मान लीजिए जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैंने एक जो डायग्राम रखा है, इस डायग्राम में ऑपरेशन सबसे पहले देख लेते हैं, ऑपरेशन तो टर्निंग फेसिंग या ऑपरेशन कॉमन रहता ही है, प्लेन टर्निंग को हम नहीं गिन रहे। उसके बाद स्टेप टर्निंग आपको दिखाया जा रहा है, स्टेप टर्निंग पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, ये उसके बाद ये तीसरा स्टेप है, तो ये स्टेप टर्निंग भी है, ये भी कॉमन है। उसके बाद का और एक ऑपरेशन है जैसे ये ग्रूविंग है, अंडर कटिंग है, जो भी है, तो ये अंदर वाला जो साइज है तो ये ऑपरेशन हमारा है। उसके बाद का ऑपरेशन आपको नर्लिंग है, नर्लिंग के बाद चैम्परिंग है, चैम्परिंग के बाद टेपर टर्निंग है, उसके बाद थ्रेडिंग है, तो ये है वह आपके ऑपरेशन। तो इसके हिसाब से आपका जॉब को सेट करना है कि आपका जॉब डायग्राम देख के जब आप समझ जाते हैं कि मुझे ये जॉब को यहाँ इस प्रोसेस से कंप्लीट करना है, सबसे पहले आपका कौन सा स्टेप बनेगा, उसके बाद का कौन सा स्टेप बनेगा, उसके बाद कौन सा स्टेप, तो ये पूरा सबसे पहले आपको माइंड में प्लानिंग करना है, उसके हिसाब से ही आप चलते जाना है, क्योंकि बीच में आप किसी से पूछ नहीं सकते, आपके हिसाब से ही आपको बनाना है। और ध्यान में रखें कि जब लेथ मशीन आपको जो भी मिलता है वहां पर, आप जब लेथ मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं फिर उसके बाद आपको कन्वेंशनल लेथ जो भी मिलता है, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं मशीन को समझने के लिए, तो ऐसा मत समझिए कि मैं बटाला के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और वहां पर जाकर अगर मुझे HMT मिलता है तो मुझे तकलीफ होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो लेथ मशीन के ऊपर काम कर सकता है तो वो हर एक लेथ मशीन के ऊपर काम कर सकता है कन्वेंशनली, मतलब मैनुअली। तो ध्यान में रखिए थोड़ा 2 मिनट लगता है मशीन को समझने के लिए, क्योंकि उसके बटन वगैरह थोड़े इधर उधर होते हैं, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं रहते हैं। तो इसके बीच में मैं आपको बता दूं, जैसे टर्नर ट्रेड है, टर्नर ट्रेड जो आपका प्रैक्टिकल होने वाला है ना मुंबई के NSTA कॉलेज में, तो पिछले साल ही इस कॉलेज में NS22 लेथ मशीन, 6 लेथ मशीन नए आए हैं, इस जो हमारा टर्नर ट्रेड में 6 NS22 के लेथ मशीन लाए गए हैं पिछले साल। तो ध्यान में रखिए कि NS22 मशीन है, तो उसका उसकी थोड़ी मैकेनिज्म आपको समझ लेना। उसके बाद इस ट्रेड में टर्नर ट्रेड में यहाँ पर भी मेरा पढ़ाई हुआ है, तो इसमें इस ट्रेड में जैसे अभी मैंने बताया कि आपके ट्रेड में 6 नए मशीन लाए गए हैं। उसके बाद इस ट्रेड में किर्लोस्कर, जैसे किर्लोस्कर की लेथ मशीन भी है इस ट्रेड में, उसके बाद बटाला की भी मशीन है, HMT की भी लेथ मशीन है, और जो भी मशीन है मशीन की कंडीशन बहुत अच्छा है, तो
प्रैक्टिकल इसके ऊपर आपको करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मशीन की कंडीशन आपको अच्छी मिलेगी। और जो भी मैंने बताया है, जो टर्नर ट्रेड आपका जो लेथ मशीन के ऊपर प्रैक्टिकल होगा, तो कौन कौन से लेथ मशीन है मैंने आपको अभी बताकर बता दिया कि आपका जो मुंबई में है जो प्रैक्टिकल होने वाला है टर्नर सेक्शन में, तो उस सेक्शन में कौन कौन से टाइप के लेथ मशीन है, यह मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दिया है। तो जब अगर आप बाहर कहीं प्रैक्टिस कर रहे तो इस चीज को ध्यान में रखें। उसके बाद आते हैं, जैसे हम बता रहे कि जॉब को किस तरह से कर रहे हैं, तो हम ऑपरेशन तक पहुंचे थे। तो और मान लीजिए, जो जैसे मैंने अभी सबसे पहले ऑपरेशन वगैरह आपको बता दिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप ऑपरेशन लेथ मशीन के ऊपर जॉब को बनाते हैं, चैम्परिंग दोनों तरफ दिया जाता है, तो ध्यान में रखें चैम्परिंग का डायमेंशन चेक नहीं होता है, उसको सिर्फ देखा जाता है कि चैम्परिंग किया है या नहीं किया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान देकर, या फिर जो 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री में ही कंपाउंड स्लैट को डिग्री में सेट करके चैम्परिंग करना है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि चैम्परिंग आपको सिर्फ ऊपर से देखा जाता है, चैम्परिंग का डायमेंशन चेक नहीं किया जाता। और जैसे मैंने बोला कि चैम्परिंग का डायमेंशन चेक नहीं किया जाता, इसलिए ऐसा भी मत कीजिए कि जैसे 2 मिलीमीटर दिया है तो उसको 5 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर बना दे चैम्फर, ऐसा नहीं करना है। 2 मिलीमीटर मतलब जैसे आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपको 2 मिलीमीटर समझ में आता है चैम्परिंग करते समय, तो वो बात ध्यान में रखें। और चैम्फर कैसे करना है, कौन से मेथड से करना है, डिग्री लगाकर करने के लिए मत जाइए, क्योंकि टाइम इसमें वेस्ट होगा। आपको कटिंग टूल पोस्ट को आपको डायरेक्टली टर्न करके आपके हिसाब से एंगल में सेट करके, या फिर चैम्फरिंग के 3-4 मेथड है, आपको जो सही लगता है उसी मेथड को अपनाना है। और जो मैंने बोला है कि डिग्री डिग्री को बिल्कुल भी लगाने तक ना जाए, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। अगर आपके पास प्रॉपर टूल्स है और मशीन के ऊपर फटाक से हो जाएगा तो तभी करें उसके बिना, और चैम्परिंग करने के और 2-3 तरीके है, उस तरीके को अपनाएं। उसके बाद आते हैं नर्लिंग। नर्लिंग ध्यान में रखें कि नर्लिंग ये जो आपको जो डायमेंशन दिया है, जैसे मान लीजिए 42 के ऊपर आपको नर्लिंग करना है, तो नर्लिंग ऑपरेशन ऐसा है कि जो जब हम नर्लिंग ऑपरेशन करते हैं तो इसके ऊपर इसका डायमेंशन बढ़ता है। नॉर्मली जो नर्लिंग आपको दिखाया जाता है मीडियम नर्लिंग होता है, नर्लिंग के 3 ग्रेड होते हैं, तो आपको मीडियम नर्लिंग करना होता है। मीडियम नर्लिंग के हिसाब से आपका डायमीटर थोड़ा कम किया जाता है, जैसे कोस नर्लिंग है, मीडियम नर्लिंग और फाइन नर्लिंग। तो ये चीज आपको थियोरेटिकली पता होना चाहिए कि मुझे जो मीडियम नर्लिंग दिखाया गया है, तो मीडियम नर्लिंग करते समय डायमीटर कितना माइनस रखता है रखा जाता है, और उसके बाद जब हम नर्लिंग करते तो उतना इंक्रीज हो जाता है, तो ये चीज आपको भी ध्यान में रखना है। और एक चीज, जब हम नर्लिंग करते हैं तो नर्लिंग के ऊपर का भी डायमेंशन चेक नहीं होता है, और चेक नहीं होता है मैं बोल रहा हूँ, इसलिए आप डायमीटर 40 भी मत रखिए, डायमीटर 42। इसके पहले जैसे मैंने बताया कि कोर मीडियम नर्लिंग है, तो मीडियम नर्लिंग के लिए आपका जो साइज होता है प्रॉपरली आपको प्रॉपर तरीके को ही अपनाना है, आप किसी चीज को नेगेटिवली लेकर ना चले। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जॉब को किस तरह से चेक किया जाता है, तो और जॉब बनने के बाद का प्रोसीजर भी बता रहा हूँ कि किस तरह से करते हैं, और जॉब को किस तरह से जल्दी किया जाता है, ये भी हम मैं बता रहा हूँ। ये हो गया हमारा नर्लिंग तक, नर्लिंग जैसे नॉर्मली। और एक प्रॉब्लम, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है नर्लिंग करते समय, नर्लिंग जैसे मीडियम नर्लिंग दिखाया गया है तो नर्लिंग प्रॉपरली बैठता नहीं है, फर्स्ट चांस में नर्लिंग बैठता नहीं है। अगर नर्लिंग टूल पुराना हो गया है तो नर्लिंग कभी भी फर्स्ट चांस पे नर्लिंग आता ही नहीं है। आप अगर प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको पता होगा, तो उस समय आपको क्या करना है, हल्का आपको राइट साइड में मशीन के ऊपर राइट खड़े होने के बाद राइट साइड की तरफ नर्लिंग टूल को एंगल में थोड़ा सेट करना है, उसके बाद आपको नर्लिंग करना, फटाक से आपका नर्लिंग आ जाएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखे। पूरे ऑपरेशन के बारे में हम पूरे डिटेल में आज जानकारी देंगे, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, थोड़ा अंत तक वीडियो को देखना ना भूले, और पूरा प्रॉपरली आपको बताएंगे कि किस तरह से शॉर्टकट में किया जाता है। टेपर टर्निंग आपको दिखाया गया है, लेकिन टेपर का कैलकुलेट करने के लिए एंगल आपके पास लॉक टेबल नहीं दिया जाएगा, तो इसका भी हम सोल्यूशन नीचे है हमारे पास, शॉर्टकट में किस तरह से विदाउट लॉक टेबल के टेपर एंगल निकाला जाता है, वो भी हम बताएंगे। जैसे उसके बाद ऑपरेशन है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग में यहाँ पर आपका पिच दिखाया नहीं गया है, तो पिच को भी किस तरह से एकदम 1 मिनट में निकाला जाता है पिच कैलकुलेट, वो भी हमने सॉल्यूशन नीचे रखी है, तो आप वीडियो को कंटिन्यू में चालू रखें। जैसे हमने नर्लिंग कर लिया है, नर्लिंग करने के बाद जी आपको अंडर कटिंग या फिर ग्रूविंग दिखाई दे रहा है, ये जो थ्रेडिंग के बाद होता है अंडर कटिंग, उसके बाद ये जो पीछे है इसे ग्रूविंग कहते हैं। तो मान लीजिए ये 5 मिलीमीटर दिया है, 5 मिलीमीटर दिया है, तो आपका पार्टिंग टूल आपको
5 मिलीमीटर का ही मिलेगा, इसकी कोई भी 0% गारंटी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है पार्टिंग टूल आपको बनाने की आवश्यकता भी पड़ सकता है, अगर ऐसा ऑपरेशन है और ऐसा ग्रूविंग है। जैसे मान लीजिए, जैसे हमने सबसे पहले स्टार्टिंग किए तो ऑपरेशन के ऊपर से, तो ऑपरेशन बेसिक ही ऑपरेशन आपको दिया जाएगा, क्योंकि 3 घंटे के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन नहीं कर सकते, बेसिक ऑपरेशन भी दिया जाता है। और जैसे जॉब का डायमीटर, जैसे रॉ मटेरियल साइज है 36, 45, 50 मिलीमीटर, तो इसके हिसाब से आपको समझ लेना है कि आपका प्रैक्टिकल किस तरह से आ सकता है, फिर कौन कौन से ऑपरेशन आ सकते हैं। जैसे कोई भी प्रैक्टिकल हम करते हैं तो जो प्रैक्टिकल करते समय जो सही प्रोसेस है उसी को ही अपनाइए। जैसे ये वाला जॉब है, इस जॉब को करते समय सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो बड़ा डायमीटर है नर्लिंग वाला, इस साइड से स्टार्ट करना है सबसे पहले। ये सबसे पहले आपको क्या करना है, फेसिंग कर लेना है। रॉ मटेरियल कभी भी 5 मिलीमीटर प्लस में रहता है लेंथ में, और डायमीटर में भी प्लस रहता है। तो लेंथ में सबसे पहले 2 मिलीमीटर की फेसिंग करके इस साइड को आपको सबसे पहले बना लेना है। जैसे 42 डायमीटर आपको बनाना है डायमीटर नर्लिंग के साथ, तो उसके समय क्या करना है, सबसे पहले प्लेन टर्निंग कर लेना है। फेसिंग के बाद प्लेन टर्निंग करके आपको नर्लिंग करना है। नर्लिंग करने के बाद आपको चैम्परिंग करना है। ध्यान में रखे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ये पीछे वाला भाग बनने के बाद आपको जॉब को पलटा देना है। जॉब को पलटा कर फिर आपका पूरा स्टेप बनेगा। जॉब को पलटाने के बाद सबसे बड़ा डायमीटर आपका कौन सा दिखाई देता है, 36। तो पूरा स्टेप टर्निंग करके आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, 36 डायमीटर को बना लेना है। उसके बाद का स्टेप आता है, आप ये वाला जो अंडर कटिंग दिखाया गया है या फिर ग्रूविंग, इसको आपको परफॉर्म करना है। इसको परफॉर्म करते समय ये भी साथ में कर लेना है, क्योंकि सेम कटिंग टूल से आप दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं। कटिंग टूल को बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि जैसे दोनों ऑपरेशन अगर सेम टूल से हो रहा है तो हम एक ही टूल से एट ए टाइम दोनों ऑपरेशन कर लेंगे। सिर्फ इसमें डायमेंशन का थोड़ा ध्यान रखें कि कितने लंबाई के बाद हमें कौन सा ऑपरेशन करना है। तो जैसे हमने अंडर कटिंग या फिर ग्रूविंग कर लिया, उसके बाद का स्टेप आता है आपका, जैसे हमने 36 सबसे इसके बाद बना लिया था, उसके बाद आपको टेपर टर्निंग करना है। तो टेपर टर्निंग का कैलकुलेशन हम नीचे दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको जॉब का प्रोसेस आपको समझा देते हैं, उसके बाद आते हैं हम आपके सॉल्यूशन के बाद ऊपर। ध्यान में रखें, हम पूरे डिटेल में जानकारी देंगे। तो जो टेपर टर्निंग हमने करना है, टेपर टर्निंग करते समय कभी भी जितने डिग्री आपका निकलता है, जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो जितना एंगल आपका निकलेगा उतना ही एंगल आपको कंपाउंड रेस्ट में सेट करना है। बाकी कैसे, जो डिग्री निकलता है उसका हाफ आपको सेट करना होता है। लेकिन मैं जो फॉर्मूला बताऊंगा, 1 मिनट में एंगल निकल जाएगा विदाउट लॉक टेबल के, और उस जितना एंगल आएगा उतना ही एंगल आपको डायरेक्टली सेट करके टेपर टर्निंग करना है। ये टेपर टर्निंग होने के बाद डायमेंशन आपको ये चेक करना है। डायमेंशन चेक होता है टेपर की, ध्यान में रखें। इसके पहले जैसे मैंने बताया था कुछ डायमेंशन चेक नहीं होता है, लेकिन ये जो डायमेंशन आपको दिया गया ये डायमेंशन चेक होता है। उसके बाद आपका आता है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग करते समय और एक चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि जैसे आपका थ्रेडिंग स्टैंडर्ड थ्रेड होता है, मतलब कोई भी कौन सा भी साइज उठाकर दे दिया जाएगा ऐसा नहीं है। आपके टाइम कम है तो जैसे M20 दिया है तो आपको डाई दिया जा सकता है थ्रेडिंग करने के लिए। आपको डाइंग करना, डाई के सहायता से आप स्टैंडर्ड थ्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब वहां पर आपको डाई के सहायता से भी थ्रेडिंग करना पड़ सकता है। तो लेथ मशीन के ऊपर डाई को किस तरह से 90 डिग्री में सेट करना होता है उसकी भी आप प्रैक्टिस कर ले। या फिर अगर मान लीजिए डायमीटर आपका रॉ मटेरियल साइज 50 है और उसके ऊपर अंदर इंटरनल थ्रेड दिया जाता है अगर स्टैंडर्ड, तो उस समय टैप से आपको थ्रेडिंग करना है, तो टैप को भी किस तरह से लेथ मशीन के ऊपर 90 डिग्री में प्रॉपर सेट किया जाता है उसके भी आप प्रैक्टिस कर ले। तो ये हो गया हमारा ऑपरेशन। इसके बाद आता है, जैसे मैंने अभी बताया था, ये जो हमारा टेपर टर्निंग और थ्रेडिंग का जो भी पिच वगैरह जैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा नीचे डिटेल से जानकारी देते हैं। और दूसरी बात ध्यान में रखें, जो भी आपका मार्क है, जितने भी मार्क का पेपर होता है आपका, और उसके बाद जो आपका डायमेंशन होते हैं, डायमेंशन ऑपरेशन, इसके ऊपर ही आपका मार्क डिवाइडेड हो जाता है। जैसे मान लीजिए टोटल लेंथ के ऊपर 100 में से 10 मार्क दे दिए, फिनिशिंग के ऊपर 5 मार्क दे दिए, नर्लिंग के ऊपर 5 मार्क दे दिए, टेपर टर्निंग के ऊपर 10 मार्क दे दिए, थ्रेडिंग के ऊपर 10 मार्क दे दिए, इसी तरह से आपका मार्क डिवाइडेशन होता है। जब आपका जॉब इवेल्यूशन होता है जॉब का, तो इस तरह से सबसे पहले आपका ऑपरेशन या फिर डायमेंशन के हिसाब से मार्क को डिवाइड करते हैं। उसके बाद आपका जॉब चेक होता है। जॉब चेक होने के बाद आपको क्या किया जाता है, जैसे जो टॉलरेंस दिया जाता है नीचे, जो टॉलरेंस के अंदर अगर कोई भी डायमेंशन बना है तो आपको आउट ऑफ मार्क दिया जाता है। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए डायमीटर 36 है और 36 डायमीटर के ऊपर अगर 10 मार्क दिया है,
और आपका जो आपका डायमीटर 36 बन गया तो 100% आपका 10 में से 10 मिल जाता है। उसके बाद आपका जो टॉलरेंस है प्लस माइनस 0.02 0.01 जो भी एग्जाम्पल में आपको जो दिया गया होगा वो उसको आपको फॉलो करना है। और ध्यान में रखिए कि टॉलरेंस के अंदर ही बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका इवेल्यूशन होगा अगर टॉलरेंस के बाहर रहे तो उसके ऊपर आपको जीरो मार्क दिया जाता है। और ऑल पूरे माप डायमेंशन में रहे, ऑल डायमेंशन आर एन मिलीमीटर, ये तो सबको पता होता है। अभी आते हैं कि जैसे टेपर आपको किस तरह से एंगल निकालना है विदाउट लॉक टेबल के, उसके बाद हम देखेंगे पिच किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देख सकते हैं जो हमारा जो टेपर टर्निंग है, टेपर टर्निंग करते समय सबसे तीन चीज इंपॉर्टेंट होती है, बड़ा डायमीटर, छोटा डायमीटर और टेपर की लंबाई। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखें कि जो हमारा टेपर का बड़ा डायमीटर कितना है 36 मिलीमीटर, टेपर का छोटा डायमीटर कितना है 30 मिलीमीटर और टेपर की लंबाई कितना है 25 मिलीमीटर। ये तीन डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेपर की, जो टेपर जब हम टेपर टर्निंग करते हैं या फिर टेपर की कैलकुलेशन करते समय ये तीन डायमेंशन आपको ध्यान में रखना है। तो इसी डायमेंशन के हिसाब से आपका फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपका जो मशीन है कन्वेंशनल लेथ मशीन है तो उसके ऊपर आपको कंपाउंड स्लाइड की सहायता से ही अगर टेपर टर्निंग दिया है तो कंपाउंड स्लाइड की सहायता से ही टेपर टर्निंग करना है। तो उस समय फार्मूला यूज किया जाता है tan थीटा इज इक्वल टू डी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2L। तो जो हमारा कैपिटल डी होता है, कैपिटल डी का मीनिंग होता है लार्जर डायमीटर मतलब बड़ा डायमीटर, स्मॉल डी मतलब होता है टेपर के छोटा डायमीटर, और जो स्मॉल एल है, स्मॉल एल मतलब होता है टेपर की लंबाई। तो ये जो फार्मूला, इस फार्मूला के सहायता से आपको कैलकुलेट करना होता है। और जो जैसे मैंने शॉर्टकट तरीका बताया तो उसे हम अभी आपको समझा देते हैं कि किस तरह से शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे गिवन डाटा में बड़ा डायमीटर 36, छोटा डायमीटर 30 और टेपर की लंबाई 25 मिलीमीटर दिया है, तो उसके बाद हम फार्मूला में वैल्यू पुट अप करते हैं, उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। 36 से 30 गए तो 6 मिलीमीटर और 25 × 2 मतलब 50 मिलीमीटर। इन दोनों का जब हम भागाकार करते हैं तो यहाँ पर और एक गलती होती है, जैसे मान लीजिए 6 भागीले 50 दिया है, तो इस समय आपको 6 को भागना है 50 से, ऐसा नहीं कि 50 को 6 से भागना है, ये उल्टा आपको नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि कैलकुलेशन करते समय हमें ऐसा लगता है कि हमें छोटे संख्या से बड़े संख्या को भागना है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, छोटे संख्या को बड़े संख्या से भागना है, उसके बाद ही आपका आंसर पॉइंट में आकर निकलता है। और ये जो पॉइंट आपको पॉइंट में जो वैल्यू निकलती है, इस वैल्यू को आपको अगर प्रॉपरली आप थ्योरेटिकल आप चल रहे तो इस जो वैल्यू आपको निकला है, इस वैल्यू को नेचुरल टेंजेंट में चेक किया जाता है। लॉग टेबल के जो बुक होता है उसका एक पेज होता है जिसमें नेचुरल टेंजेंट का पेज होता है, जिसमें वैल्यू के हिसाब से एंगल कैलकुलेट करना होता है, आपको फाइंड करना होता है। तो इस जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट के बाद जो चार डिजिट चाहिए होता है, अगर हमें लॉग टेबल के ऊपर हम देखकर एंगल निकाल रहे हैं तो हमें चार डिजिट चाहिए होता है। तो मान लीजिए जैसे हमने दो पॉइंट हमें मिला है, तो दो पॉइंट के बाद 0.0 पॉइंट के बाद दो अंक है हमारे पास, तो और दो जीरो इसमें जोड़कर फिर उस चार डिजिट के एंगल हमें चेक करना होता है। ये हो गया आपका प्रॉपरली थियोरेटिकली जो लॉग टेबल के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना होता है लॉग टेबल को देखकर। उसके बाद जैसे हमने शॉर्टकट तरीका में हम बता रहे थे, तो उस समय हमें क्या करना, ये हमारा शॉर्टकट तरीका है, ध्यान में रखें ये शॉर्टकट तरीका है। तो जो भी हमारा कैलकुलेट करके जो हमें वैल्यू मिलता है, उस वैल्यू को डायरेक्टली हमें कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है 57 से। 57 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो एंगल हमें मिलता है, उसी एंगल को हमें डायरेक्टली सेट करना होता है कंपाउंड स्लाइड के ऊपर। मान लीजिए इनको कैलकुलेट करने के बाद हमें मिला है 6.84 डिग्री, मतलब 6 डिग्री के बाद हमें मिनट होता है, लेकिन मिनट कंपाउंड स्लाइड में लगता नहीं, तो 6 से प्लस में हम रखते हैं, तो 6 डिग्री समथिंग मिनट है। कैलकुलेट करने के बाद अगर मिनट 60 के ऊपर जाता है, मतलब जैसे 60 सेकंड का एक मिनट होता है, मतलब 60 डिग्री यहाँ पे कितना आप डिग्री अगर कैलकुलेट करें तो 60 मिनट का एक डिग्री होता है, तो यहाँ पर 84 दिया है, तो इसको आपको फिर से मिनट में कन्वर्ट करना होता है। तो ये भी हमने बताया है कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इसका मिनट में। तो उस समय आपको सिंपली करना क्या होता है, जो डिग्री के बाद पॉइंट में वैल्यू निकला है उसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है 60 से, क्योंकि 60 डिग्री का एक मिनट होता है, 60 मिनट का एक डिग्री होता है इसलिए, और डिवाइडेड बाय 100 करना है, इससे डायरेक्टली आपका मिनट मिल जाता है आपको। यहाँ पर जैसे हम दोनों इनका कैलकुलेट करने के बाद हमें मिल जाता है 50 मिनट मिल जाता है। तो हमारा प्रॉपर टोटल डिग्री कितना था, 6 डिग्री और मिनट हमने कैलकुलेट करने के बाद हमें कितना मिल गया, 50 मिनट। मतलब ये जो हमें साइज दिया गया इसका कैलकुलेट करने के बाद 6 डिग्री 50 मिनट हमें मिलता है। तो जो मैंने जैसे बताया था शॉर्टकट तरीका की किस तरह से विदाउट लॉग टेबल से आपको कैलकुलेट करना है, डायरेक्टली जो वैल्यू हमें निकलता है फार्मूला के हिसाब से, उस वैल्यू को 57 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, और जो एंगल आपको मिलता है उसी एंगल को कंपाउंड रेस्ट में सेट करके
आपको टेपर टर्निंग करना है। इंटर एक्सटर्नल टेपर दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से साइड में, जैसे जो हमारा सुवेल बेस होता है उसके बीच में जीरो लाइन होता है, दोनों तरफ एंगल दिया जाता है, तो कौन से साइड में एक्सटर्नल के लिए सेट करना होता है ये भी आपको पता है, तो उतना डिटेल में हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप स्किल टेस्ट दे रहे हैं तो उतना आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद जैसे हमने बोले थे कि पिच किस तरह से कैलकुलेट करते हैं शॉर्टकट तरीके से, तो नेक्स्ट पेज है हमारा, जैसे EM20 आपका जो साइज दिया है, मान लीजिए जैसे मैंने ऊपर में बोला था जो आपको डाई मिलेगा, डाई के सहायता से आपको थ्रेडिंग करना होता है और स्टैंडर्ड साइज आपको मिलता है। अगर मान लीजिए 10% चांस आपको बता रहे कि अगर नहीं मिला है डाई, तो उस समय आपको अगर मैनुअली थ्रेडिंग करना है तो आपको पिच पता होना सबसे इंपॉर्टेंट है कि पिच हमारा कौन सा है। उसके बाद पिच पता होने के बाद आपको ये भी ध्यान में रखिए कि आप जिस मशीन के ऊपर आप थ्रेडिंग कर रहे हैं, अगर मैनुअली थ्रेडिंग कर रहे हैं तो मशीन, जैसे थ्रेड हमारा कौन सा दिया, EM20 मतलब मेट्रिक थ्रेड है, 20 मिलीमीटर का थ्रेड आपका कौन सा, कौन से फॉर्म में है और मशीन आपकी कौन से फॉर्म में है। मतलब मशीन भी दो तरीके के होते हैं, मेट्रिक थ्रेड, मेट्रिक और ब्रिटिश लेथ, दो तरीके के लेथ मशीन है, और उसमें अगर मेट्रिक लेथ मशीन के ऊपर अगर मेट्रिक थ्रेड कर रहे हैं तो कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, और दूसरा होता है कि ब्रिटिश लेथ पर मेट्रिक थ्रेड, तो उस समय आपको चेंज करने की आवश्यकता होती है, तो यह चीज ध्यान में रखें, पूरे हम जानकारी दे रहे हैं। उस तरह से मान लीजिए आपके ऊपर जो EM20 दिया है, अगर आपको पिच पता नहीं है तो किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो इसके इसके लिए सिंपल सा आपको तरीका, आपको क्या करना है, जो साइज हमारा दिया जाता है EM20, ये XYZ जो साइज एम के साइड में होता है वही मेजर डायमीटर होता है हमारा थ्रेडिंग का, तो आपको पिच कैलकुलेट करना है। तो पिच आपको कैलकुलेट किस तरह से करना है, मेन डायमीटर मतलब मेजर डायमीटर आपका जो होता है, जो एम के साइड में, जो साइज एम के बाद साइड में जो आपका अंक होता है वो हमारा होता है मेजर डायमीटर, तो मेजर डायमीटर प्लस 5 करना है, और जो हमारा आंसर निकलता है, आंसर निकलने के बाद एक राइट साइड से एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट देना है। तो किस तरह से, यहाँ पर मान लीजिए जैसे मैंने बताया मेजर डायमीटर हमारा 20 है, प्लस 5 करना है, प्लस 5 करने के बाद हमारा आंसर कितना निकलता है, 25। और उसके बाद मैंने क्या कहा था कि जो पीछे से वो राइट साइड से एक डिजिट के बाद आपको क्या देना, पॉइंट देना है, तो इस तरह से पॉइंट देना है, तो हमारा आंसर कितना निकल जाता है, 2.5, और EM20 का पिच होता है स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड पिच होता है 2.5। तो इस तरह से आपको सिंपली एकदम 1 मिनट में भी लगता नहीं है कि आपको डायरेक्टली आप मनी मन में कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 प्लस 5 मतलब 25, और एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट देना मतलब 2.5, इस तरह से पिच आपको कैलकुलेट करना होता है। तो जैसे आज की वीडियो में हम बताने वाले थे कि कौन कौन सा लेथ मशीन आपके जो एग्जाम होने वाला है मुंबई के नेशनल NSTI में, तो कौन कौन से लेथ मशीन अवेलेबल है, जैसे मैंने बता दिया, जैसे आपको कौन कौन सा क्या करना है, जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं या फिर जो जॉब आप बना रहे हैं उस समय आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, ये भी हमने आपको इम्पोर्टेंट चीज बता दिया है। उसके बाद आपका जो टर्नर मशीनिस्ट कंबाइन होने वाला है फिर अलग, ये भी हमने बता दिया आपको। उसके बाद प्रोसेस करते समय कौन सा डायमेंशन चेक किया जाता है, कौन सा डायमेंशन को किस तरह से करना है, किस तरह से कर रहे तो आप जल्दी हो जाएगा, ये भी हमने आपको बता दिया है। और ध्यान में रखिए जो जो आपको जो स्टेप वाइज आपको जैसे मैंने बताया है उसी तरह से करेंगे तो आपका जॉब जल्दी हो जाएगा, और डायमेंशन के तरफ बिल्कुल भी एकदम ध्यान में रखकर ही डायमेंशन को बनाए। तो आज के वीडियो को हम यहाँ तक ही रखते हैं, और कुछ अपडेट हमें जो अगर मिलता है, जब भी जैसे हम भी रिसर्च करते रहते कि किस तरह से क्या है, तो अगर हमें कुछ मिलता है तो हम फिर से और एक वीडियो बनाकर और पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। और इसके बारे में अगर कुछ आपको पूछना है तो जैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें आप ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे, पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें।